सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो टिप है वो हमने इंसुलेटेड किया है, सो इस टिप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब आपने टिप को इंसुलेटेड कर दिया तो आपका टिप पे जो है हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। ओके, तो उससे केस में क्या हो जाएगा, अब जब हम एल डिस्टेंस के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी जीरो आएगा, ठीक है, और उसी चीज को टी की जगह हम लोग थीटा रिप्लेस करके करेंगे तो भी जीरो रहेगा। तो इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ये जो है आपका, ये ऊपर वाला तो नीचे वाला तो बेस के लिए हो जाएगा और ये ऊपर वाला आपका किसी सर्टेन टेम्परेचर के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, ये मैथमेटिकल फार्मूला इसने लगाया है, कोई ऐसे आपका डायरेक्ट इसने कहीं से उठा के रखा नहीं है। ओके, सो इट इज कोस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एम एल। ओके, एम एल यानी एल डिस्टेंस के लिए, एल माइनस एक्स बेस के लिए, ठीक है। एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे सो आपके पास ये फाइनल डेरिवेशन आएगा आपका, दिस वन, क्यू फिन माइनस के ए सी डी टी अपॉन डी एक्स एच पी के ए सी थीटा नॉट टेन हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। इसको हम लोग यहां से समझते हैं, ओके, इसी में से समझा देता हूँ पूरा आपको, उसमें बहुत शॉर्ट में उसने कर रखा है। ओके, सो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, व्हेन द फाइनाइट लेंथ, ठीक है, इसने सीक्वेंस चेंज है, फाइनाइट लेंथ और इंसुलेटेड एंड है, ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ पे वो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका जनरल इक्वेशन है, जो सी वन सी टू अपन रखते हैं उसकी जगह अपन कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स और साइन हाइपरबोलिक एम एक्स रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है यानी बेस पे, तो टी जीरो माइनस टी ए इज इक्वल्स टू थीटा नोट हो गया, यानी बेस पे थीटा नोट हो गया, और एक्स इज इक्वल्स टू एल पे क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो इंसुलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए इज इक्वल्स टू थीटा नोट और 6.2 बी क्या हो जाएगा, जीरो। इसको जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस थीटा नॉट साइन हाइपरबोलिक एम एल कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। एंड फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो आपका ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो थीटा x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा नॉट कॉस हाइपरबोलिक दिस दिस दिस, एंड फाइनली आपका ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। ये जो वहाँ पे उसने डायरेक्ट हमने लिखा था, दिस वन इज फ्रॉम द ऑल स्टेप्स, ठीक है, टी एक्स माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स टी नोट माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल। टी एक्स हो जाएगा किसी पर्टिकुलर लेंथ पे कितना टेम्परेचर है माइनस एम्बियंट टेम्परेचर, टी नोट हो जाएगा जो आपका बेस है वहाँ पे कितना टेम्परेचर है माइनस टी ए। टी ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्बियंट टेम्परेचर, ओके। और इसको जब आपने सॉल्व आउट किया तो कॉस हाइपरबोलिक दिस एंड कॉस हाइपरबोलिक दिस, और इसको जब आप फाइनली पुट करते हो इक्वेशंस में तो आपका क्यू फिन्स यानी फिन्स के लिए जब आप हीट ट्रांसफर, वो तो अपन ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है ऊपर, तो और ये आपका क्यू फिन क्या आ जाएगा, फाइनल आ गया, क्यू फिन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच पी के ए सी थीटा नॉट टेन हाइपरबोलिक एम एल। इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता, इसमें से आपसे डेरिवेशन डिराइव करवाता है, ये आपसे डेरिवेशन डिराइव करवाएगा कि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और हीट ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो आपको ये कैलकुलेशंस करनी होगी, पूरी स्टेप्स इसमें दी हुई हैं आपकी, ठीक है। ये किस कंडीशन के लिए हो गया, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन इंसुलेटेड एट इट एंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ फिन्स के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और कंडीशन इसमें बीच में रह गई आपकी, ठीक है। ये अपन ने देखा थर्ड कंडीशन जो थी फाइनाइट लेंथ के लिए है, और जो कन्वेक्शन की वजह से हीट रिडक्शन हो रहा है, लास्ट में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन की वजह से अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, कंडक्शन हीट ट्रांसफर इक्वल टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप। कंडक्शन से जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही क्या होगा, कन्वेक्शन से होगा, ओके। सेम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनल आपका जो फिन्स का हीट ट्रांसफर रेट, ओके, तो ये इसमें रहेगा। अब अपन एल्थ के लिए चेंज करते हैं, तो अगर एल सी इज इक्वल्स टू एल टी अपॉन टू लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं तो
और पिन फिन लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी क्या आ गई, फिन्स आ गई, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल फिन है तो जो आपकी एल है यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, एल प्लस टी बाई टू, ठीक है। और अगर सिलेंड्रिकल है तो एल प्लस डी बाई फोर, वेयर डी इज द डायमीटर एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द शीट या फिर फिन, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हो गई जनरल इक्वेशन फॉर द हीट ट्रांसफर के। दूसरी चीज अब आपकी आती है फिन इफिशियंसी। अब दो टर्म इसमें है फिन वाले टॉपिक में आपके पास, फर्स्ट वन इज द फिन इफिशियंसी एंड सेकंड वन इज द फिन इफेक्टिवनेस, ओके। सो फिन इफिशियंसी क्या होगी, देखिए इफिशियंसी किसी भी चीज के लिए क्या होती है कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट अपॉन द कैलकुलेटेड आउटपुट या फिर थ्योरेटिकल आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्यू फिन, आपकी फिन की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे कि आपको एक्चुअली में कितनी हीट ट्रांसफर मिल रही है अपॉन उस फिन से कितनी मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टेकिंग प्लेस थ्रू द फिन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट डेट कुड ऑकर थ्रू द फिन When the entire fin is at its root temperature or base temperature, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि आपने कोई भी फिन आपने सिस्टम में लगा रखी है तो उस फिन से कितनी हीट आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअली या प्रैक्टिकल में कितनी हो रही है टू द मैक्सिमम पॉसिबल कि कितनी हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। दैट इज इफिशियंसी ऑफ फिन, ठीक है। तो क्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, HP KAC T naught minus T infinity, जो बेस टेम्परेचर है और आपकी फाइनल जो आपका एंड है दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो, और मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकालेंगे, H आपका एरिया ऑफ फिन T naught minus T infinity, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होगा तो फाइनल रेशियो क्या बनता है, 1/ml, इसको पूरा रिजॉल्व करने पे, ठीक है। और इंसुलेटेड के लिए अगर हम बात करेंगे तो इंसुलेटेड के लिए क्या हो जाएगा, क्यू एक्चुअल तो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 10 हाइपरबोलिक ml, और एक्चुअल तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ml, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, a फिन क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एरिया ऑफ फिन यानी पैरामीटर इनटू लेंथ, ठीक है। एंड थर्ड वन है आपका फिन इफेक्टिवनेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिन इफिशियंसी और फिन इफेक्टिवनेस। फिन इफेक्टिवनेस का मतलब है कि अगर आप बिना फिन लगाए अपने सिस्टम को चला रहे हैं तो उससे कितना हीट ट्रांसफर होता है और फिन लगाने से आपका कितना हीट ट्रांसफर मिल रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है या उन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपको बताएगा फिन इफेक्टिवनेस कि आपको फिन लगाने से कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला वापस लगाएंगे। अब यहाँ पे AR क्या हो जाएगा, एरिया एट द रूट इक्वलेंट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिन, ठीक है। भाई विदाउट फिन तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो हीट ट्रांसफर कहाँ से होगा, जब इस केस के लिए, जब हम इस केस के लिए ए विदाउट फिन के लिए जब हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास तो सिर्फ ये सिस्टम है, अब इसके लिए तो पूरा एरिया काम आएगा ना, तो यहाँ पे जो रूट एरिया है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले फिन जब अपन ने फिन लगा दी थी, ये अपनी फिन लगा दी, सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया जो आएगा आपका बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें कैलकुलेट करनी है जो कि आपके ए सी की इक्वल हो। विदाउट और इंसुलेटेड टिप के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये वैल्यूज़ याद भी रखनी है और कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपसे फॉर्मूलाज भी पूछ सकता है और डिराइव भी करवा सकता है, ओके। सो दिस इज द फिन टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जनरल फिन डेरिवेशन के, फिन इफिशियंसी एंड फिन इफेक्टिवनेस के। नेक्स्ट आपका आता है कि डिफरेंट फिन इफिशियंसी इफेक्टिवनेस, इज इक्वल्स टू वन है तो फिन डज नॉट अफेक्ट द हीट ट्रांसफर एट ऑल, यानी भाई इफेक्टिवनेस इक्वल आ रहा है, यानी अपने दोनों केस में आपके कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर लेस देन वन आ रहा है तो फिन एक्ट एज ए इंसुलेशन, ठीक है, यानी उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, और इज ग्रेटर देन वन आ रहा है तो हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीज, यानी आप इजिली हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक और क्या कंडीशन निकली है कि ई फिन जो है आपका फिन इफेक्टिवनेस जो है आपके हीट ट्रांसफर कोफिशियंट के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और पेरीमीटर के प्रोपोर्शनल है रूट के, इन सब के रूट की ये कंडीशंस ध्यान रखनी है, ये आपसे पूछी जाती है। ओके, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ये जो पूरी कंडीशन इसने लास्ट में बताई है, ये आप लोगों को लर्न भी रखनी है, ठीक है, और डिराइव भी आपको आना चाहिए। ओके, कि डिफरेंट फिन्स की कंडीशन, डिफरेंट फिन इफेक्टिवनेस के लिए आपका क्या क्या कंडीशंस सामने आती है। ठीक, सो ये अपना फिन का टॉपिक एंड होता है, जिसमें आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, जनरल इक्वेशन, फिन इफिशियंसी एंड फिन इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है। फिन आर जनरली यूज वेयर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वैल्यूज आर रिलेटिवली लो व्हेन एयर और गैस इज मीडियम एंड हीट ट्रांसफर इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, सेकेंड थिंग, फिन मटेरियल शुड मेड ऑफ हाईली कंडक्टिव मटेरियल। ओके, लेटरल सर्फेस एरिया शुड बी हाई एज पॉसिबल। फिन विथ पैराबोलिक एंड ट्राइंगुलर प्रोफाइल कंटेन लेस मटेरियल आर मोर इफिशियंट एंड द इफिशियंसी ऑफ मोस्ट फिन यूज इन प्रैक्टिस इज अबाउट 90%। ठीक है, यानी अपनी जो फिन्स का यूज करने का कंसेप्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट सक्सेस रहता है, अब 90% तक का फिन इफिशियंसी आपको इसमें मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर फिन टॉपिक। ठीक है, एक्सटेंडेड सरफेस से जो हीट ट्रांसफर होता है, इसका पूरा आपका कंसिडरेशन हो गया। हीट ट्रांसफर थ्रू फिन आपको जो इसमें टॉपिक में आपके सिलेबस में है वो सब हमने देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट सर। हेलो, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें एक बार एरिया डिस्ट्रीब्यूशन समझा दो, वो समझ में कम है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, जैसे जो पैरामीटर लिया है ना अपन ने पी, हाँ, तो वो कैसे लिया और उसका एरिया। पैरामीटर ऐसे देखिए, यहाँ से समझाता हूँ, ये चीजें है ना, इसको देखना। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये अपना टोटल फिन हो गई। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो किस चीज का लेंगे अपन, इस चीज का लेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, जो कि अपने कंडक्शन में काम आएगा। ठीक है, और कन्वेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसकी सरफेस का लेते हैं, तो सरफेस का पैरामीटर, ठीक है, इनटू कितनी डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसका पैरामीटर हो जाएगा कितनी डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन के लिए। यानी ध्यान रखना, अगर अपन थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, अगर इसको मैंने जेड लिया है, ठीक है, और इसको टी लिया है, तो मेरा एरिया क्या बनेगा, जेड इंटू टी। ठीक है, और कन्वेक्शन के लिए लूंगा तो टू अपना होता है लेंथ प्लस विड्थ, यही तो होता है अपना पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए। तो लेंथ अपने कितनी ले ली है ना, इसको डी एक्स मान लो या टी मान लो, ठीक है, और विड्थ कितनी हो गई, जेड। ठीक है, तो टू एल प्लस बी पैरामीटर इंटू डी एक्स हो जाएगा, बस ये चीज है। और कोई, ठीक है, और किसी को डाउट हो बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना जो है अपना फिन इफिशियंसी वाला टॉपिक खत्म होता है, परफॉर्मेंस ऑफ फिन्स हो गया अपना। ठीक है सर, एलसी कैसे निकाला? एलसी तो वो हाई लेंथ है बेटा, एलसी कोई वैसे फॉर्मूला नहीं, एलसी कोई फॉर्मूला या कोई एरिया वेरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ है वो तो। ठीक है, नहीं सर किसकी लेंथ है समझ में नहीं आ रहा। फिन की, फिन की लेंथ है बेटा, ये देख, ये फिन की लेंथ है तेरी, एक सेकंड, ये जो लेंथ आ रही ये तेरी एल है, ये ना एक्स इज इक्वल्स टू एल और यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये रेक्टेंगल, ये अपना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नहीं सर, आपने शायद रेक्टेंगल के लिए एलसी बराबर एल प्लस एल बाई फोर लिया है ना, वो कैसे? हाँ वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकना आप। इस वाले केस में बात कर रहे हो? Yes, इस वाले केस में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एलसी क्या हो जाएगी, करेक्टेड लेंथ हो रही है आपकी यहाँ पे। ठीक है, जो अपनी पिन फिन के लिए केस में आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग एलसी ले रहे हैं वो क्या है आपका, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड इसको मैं हटा दूं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एलसी आ रही है, करेक्टेड लेंथ इज डिफाइंड सच दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए फिन ऑफ लेंथ एलसी विद इंसुलेटेड टिप इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एक्चुअल विद कन्वेक्शन। एलसी क्या आ रही है कि जो अपन ने इंसुलेटेड टिप लगाई है, ठीक है, उसको हटा के जो लेंथ आ रही है वो अपनी एलसी आ रही है। ठीक है, तो एलसी प्लस टी बाई टू, और यहाँ पे एलसी क्या हो जाएगी, एलसी प्लस डी बाई फोर, यानी जो अपना करेक्टेड लेंथ है जो
इंसुलेटेड के साथ अपनी लेंथ आ रही है, इंसुलेटेड आप लगा रहे हो ना, जैसे ये अपनी लेंथ हो गई पूरी, ठीक है। अब इस पे मान ले अपन ने इंसुलेशन भी लगाया आगे कुछ, तो इंसुलेशन की वजह से जो हाइट आ रही, जो लेंथ आ रही है, उसको एलसी बोला है अपन, ठीक है। और वो एलसी कैसे लेना है, वो इस तरीके से लेना है कि अगर रेक्टेंगुलर फिन है तो एल प्लस टी बाई टू, यानी जो थिकनेस है उसका आधा, और यहाँ पे कितना सर, एक चीज बताना, हाँ हाँ इंसुलेशन लगाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी सर, फिन में तो वैसे ही लास्ट के पॉइंट पे तो हीट जीरो ही हो जाती है। कंडीशन है, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि लगाना है, कंडीशन डिफाइन की है अपन ने, तो एक कंडीशन बनाई है कि ये सिचुएशन भी कर सकते हैं, यूं थोड़ी बोला है कि तुम लगाओ। ये जो तीनों चीजें अपन ने पढ़ी है अभी, ये केसेस हैं, केस स्टडी हैं, कि अगर इनफाइनाइटली लेंथ अगर रहती है, यानी बहुत लंबी आपने फिन लगा दी, तो उसका क्या, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने टिप पे इंसुलेशन लगाया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर दोनों चीजें हैं, अगर आपकी फिन की लंबाई भी बहुत ज्यादा है और इंसुलेशन भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज बताइए। यहाँ ये थोड़ी बोला है कि अपन इंसुलेशन लगाएंगे ही सही, आपने देखा है इंजन के आगे इंसुलेशन थोड़ी लगा हुआ रहता है, वो तो ये कंडीशन बता रहा है कि अगर आप इंसुलेशन लगाते हो तो क्या इफेक्ट उस पर आएगा। अब जब इसने फिन इफिशियंसी बताई, तो यहाँ तो नॉर्मल लेंथ लिए ना अपन ने, एलसी थोड़ी लिया है, वो तो कंडीशन है। यस सर, ठीक है, कंडीशन नहीं होती कि ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो उस केस में भाई आपको तो स्टडी तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना, स्टडी कर ली तो, अगर केस स्टडी है ये फैक्ट नहीं है, या फिर यूं नहीं बोलेंगे कि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिन्स आप लोग पढ़ के रखना, फिर भी कोई डाउट आता है पवन आपको तो जस्ट आस्क बाय मैसेज, और आप कल की क्लास में दोबारा रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट आ रहा है, हिमांशु, दिनेश, जशवंत, सिद्धांत,